Hello friends, welcome to mathematics class. Today we will learn division of decimal numbers. Let's start activity 3. Question number 1. Find the quotient in each of the following. We want to find quotient. Means, हमें क्या करना होगा? Quotient find करना है तो division करना होगा. First, 25.75 डिवाइडेड बाई 10. ये सम हम टू मेथड से कर सकते हैं. ओके, वन मेथड है उसमें हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे. ओके, फर्स्ट 25.75 डिवाइडेड बाई 10, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में क्या है? डेसिमल. मुझे डेसिमल को रिमूव करना है. डेसिमल को रिमूव करने के लिए मुझे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो देखना होगा. टू डिजिट है तो मुझे क्या करना होगा? डिनोमिनेटर में 100 पुट करना होगा. ओके, तो 2575 10 एज इट इज़. मैंने ये डेसिमल रिमूव किया इसीलिए मुझे डिनोमिनेटर में 100 पुट करना होगा. मैंने क्यों 100 ही पुट किया? क्योंकि 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? डेसिमल के बाद 2 डिजिट था इसलिए. ओके, नेक्स्ट 2575 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100. 1 1 1 एंड 30 1 2 एंड 3 1000. 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000. नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे क्या है? डेसिमल डिनोमिनेटर में 30 है, 1000 में 30 है. अब मुझे ये 1000 को निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? न्यूमरेटर में राइट साइड से 3 डिजिट के आगे डेसिमल रखना होगा. क्यों 3 डिजिट? क्योंकि 1000 में कितने जीरो है? 30 है इसलिए. 575 डेसिमल 2. फाइनल आंसर इज 2.575. ओके, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं वो कैसे. यहाँ पे क्या है? 25.75 डिवाइड बाय 10. ये मेथड कब यूज़ कर सकते हैं? जब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 है तभी वो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 10 है, तो यहाँ पे डेसिमल है. जब डिवाइड बाय 10 है तो आपको क्या करना है? 10 में कितने जीरो है? 10 है, तो आपको 1 प्लेस है वो लेफ्ट साइड मूव होना है. क्या करना है? 1 प्लेस है वो लेफ्ट साइड मूव होना है. तो अभी यहाँ पे डेसिमल है तो अभी डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा? 2 के बाद. 2.575 डायरेक्ट आंसर है. नेक्स्ट 5047 डिवाइडेड बाय 1000, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. 5047 डिवाइडेड बाय 1000. ओके, यहाँ पे कितने जीरो है डिनोमिनेटर में? 30 है, तो मुझे क्या करना होगा? 1000 को निकालना है तो 3 डिजिट के आगे 0. आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट 215.4 डिवाइडेड बाय 1000. ओके, 2015.4 डिवाइडेड बाय 1000. अब मुझे क्या करना है? डेसिमल को रिमूव करना है. डेसिमल को रिमूव करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो मुझे देखना होगा. डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है तो मुझे डिनोमिनेटर में 10 पुट करना होगा. 2154 1000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10. 2154 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000. ओके, 2154 डिवाइडेड बाय 10,000. कितने जीरो हैं? 40. तो मुझे क्या करना होगा? ये है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 40 है इसलिए मुझे 4 डिजिट के आगे डेसिमल रखना होगा. 1 2 3 4 डेसिमल आगे कुछ नहीं है तो 0 हम कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट 71.571 डिवाइडेड बाय 100. फर्स्ट 71.571 डिवाइडेड बाय 100.
ये मुझे डेसिमल को रिमूव करना है। तो हम क्या चेक करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो मुझे डिनोमिनेटर में 1000 पुट करना होगा। 71571 100 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1000। 71571 यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 117 123450 12345। ओके, अब मुझे क्या करना है, 1 लाख है, मुझे 1 लाख डिनोमिनेटर में से रिमूव करना है। तो 1 लाख में कितने जीरो है, 12345 मीन्स 50 के आगे मुझे डेसिमल रखना होगा। ये सम अभी हमने किए वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, 5047 डिवाइडेड बाय 1000 है, 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो आपको अभी डेसिमल यहाँ पे 7 के बाद, तो आपको 3 प्लेसेस है वो लेफ्ट साइड मूव होना है, 1, 2 एंड 3, तो आपको 5 के बाद डेसिमल रख देना है। तो डायरेक्ट आंसर 5.047। ऐसे ही 215.4 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, अभी यहाँ पर डेसिमल है 5 के बाद, तो हमें 3 प्लेसेस है वो लेफ्ट साइड मूव होना है, 1, 2 एंड 3 मीन्स 2 के आगे डेसिमल आएगा, मीन्स 0.2154 डायरेक्ट आंसर। हियर 71.571 डिवाइडेड बाई 1000, अभी यहाँ पर डेसिमल है, 100 में 2 जीरो है, मीन्स 2 प्लेसेस है लेफ्ट साइड मूव होना है, 1 एंड 2, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा। आपको क्या याद रखना है, डिवाइड में डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करना है और मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को राइट साइड मूव करना है। कितने प्लेसेस मूव करना है वो किससे पता चलेगा, 10, 100 या 1000 से। ओके, 10 में 1 प्लेस, 100 में 2 प्लेस एंड 1000 में 3 प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोशंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, कोशंट। बट क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर में 10 था, 100 था, 1000 था, इसलिए वो डायरेक्ट भी हम बोल सकते थे उसका आंसर। बट इसमें डिनोमिनेटर में 20, 2000 एंड 30 है, तो हम इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। ओके, तो फर्स्ट क्या करेंगे, 2.74 डिवाइडेड बाई 20, 2.74 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 20 है, तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, अब न्यूमिनेटर में क्या है, 2.74 है, डेसिमल है, मुझे डेसिमल को रिमूव करना है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 100 पुट करना होगा, 274 डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 10 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, 274 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ओके, 274 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा, 137। मैंने क्या किया, 274 को 2 से डिवाइड किया, तो मुझे आंसर मिला 137। डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई बाई 100 1000, तो मुझे ये है फ्रैक्शन फॉर्म, मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 है, तो मुझे क्या करना होगा, 3 डिजिट के आगे मुझे डेसिमल रखना होगा, 731 डेसिमल 0। ओके, 0.137। नेक्स्ट, 27.3 डिवाइडेड बाई 2000, तो 27.3 डिवाइडेड बाई 2000, 27.3 एज इट इज इन डिनोमिनेटर, इन प्लेस ऑफ 2000 व्हाट वी हैव टू राइट, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 2000 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब मुझे ये न्यूमिनेटर में जो डेसिमल है उसको रिमूव करना है, डेसिमल में जो न्यूमिनेटर में जो भी डेसिमल है उसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 10 पुट करना होगा। क्यों 10 ही पुट करना होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं,
ओनली वन. 273 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 10. ओके नेक्स्ट है. अब मुझे क्या करना है, 273 है उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा. ओके को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 136.5. तो न्यूमरेटर में 136.5, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, 10,000. 136.5 डिवाइडेड बाई 10,000. अब यहाँ पे कितने जीरो है 10,000 में, 4 जीरो है. ओके तो मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या करना होगा, अभी यहाँ पे डेसिमल है तो 4 प्लेसेस है वो लेफ्ट साइड मूव होना है, 1, 2, 3 और आगे कुछ नहीं है तो हम जीरो ऐड कर देंगे डेसिमल और जीरो. ओके तो आंसर इज 0.01365. मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पे डेसिमल था, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 10,000 में 4 जीरो है तो मुझे 4 प्लेसेस है वो लेफ्ट साइड मूव होना है. अभी यहाँ पे है तो 1, 2, 1, 2, 3 एंड 4 तो मैंने यहाँ पे डेसिमल कर दिया, यहाँ पे आगे कुछ नहीं था तो मैंने जीरो ऐड कर दिया. ओके नेक्स्ट 68.4 डिवाइडेड बाय 30. 68.4 as it is divided by 3 multiply by 10. ओके अब मैं क्या करने वाला हूँ, डेसिमल को रिमूव करना है तो 684 डिनोमिनेटर में 3 multiply by 10 as it is. यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना होगा, 10. 684 को 3 से डिवाइड करना है, 628. 684 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 228 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100. तो डिनोमिनेटर में क्या है, 100 है, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है तो मुझे 100 को रिमूव करना है तो मुझे न्यूमरेटर में 2 डिजिट के आगे डेसिमल रखना होगा, 1 एंड 2 मीन्स 2.28. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें भी क्या फाइंड करना है, कोसेंट फाइंड करना है. ओके फर्स्ट 20.4 डिवाइडेड बाय 6, हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड ही करना है. फर्स्ट वी टेक सिंगल डिजिट बट 2 इज स्मॉलर देन 6 तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे. ओके मीन्स 20, 6 3 18, माइनस 20 माइनस 18 2 डेसिमल, तो कोशेंट में भी हम क्या पुट करेंगे, डेसिमल. नाउ ब्रिंग डाउन 4, 6 4 24, 24 माइनस 24 0, आंसर इज 3.4. ओके यहाँ पे मैंने 20 माइनस 18 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है. ओके आपको वैसे भी करना है कि बोरो लेके 10 ईयर 1 माइनस 10 माइनस 8 2 1 माइनस 1 0 तो वैसे भी कर सकते हो. ओके नेक्स्ट 3.528 डिवाइडेड बाय 25 डायरेक्ट हम करेंगे 3.528 डिवाइडेड बाय 25. ओके यहाँ पे 3 है वो स्मॉलर है 25 से तो हमें क्या करना होगा, 2 डिजिट लेना होगा बट 1 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल, तो मुझे यहाँ पे भी डेसिमल रखना होगा, आगे कुछ नहीं है तो हम 0 कर सकते. अब क्या है, 35 है तो 25 वन 25, 35 माइनस 25 10, ब्रिंग डाउन 2, 25 4 100,
102 माइनस 100 2 ब्रिंग डाउन 8 ओके 25 वन जार 25 3 ओके अब मैं यहाँ पे 0 ऐड कर सकता हूँ ओके क्योंकि अब यहाँ पे तो डेसिमल के बाद ही बाद वाले ही नंबर है ओके तो यहाँ पे आप 0 कभी भी ऐड कर सकते हो 25 वन जार 25 30 माइनस 25 5 0 25 टू जार 50 0 0 आंसर इज 0.14112 नेक्स्ट 243.18 डिवाइडेड बाय 6.3 ओके तो मुझे क्या करना है 243.18 को 6.3 से डिवाइड करना है यहाँ पे भी डेसिमल है यहाँ पे भी डेसिमल है ओके जो डिवाइड में जो डिविजर है वो कोशंट में नहीं होना चाहिए मीन्स कि जो हमारा ये डिनोमीटर में जो भी नंबर लिखा है 6.3 उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए डेसिमल यहाँ पे देखो आप 6 में भी डेसिमल नहीं है 25 में भी डेसिमल नहीं है ओके तो फर्स्ट हम क्या रिमूव करेंगे यहाँ पे जो डेसिमल है उसको मुझे रिमूव करना है तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है ये मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 6.3 में डेसिमल है वो नहीं चाहिए मल्टीप्लाई बाय 10 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पे 243.18 यहाँ पे डेसिमल है अब मल्टीप्लाई बाय क्या है 10 मीन्स 10 में कितने जीरो है 1 जीरो है तो मुझे 1 प्लस से वो राइट साइड मूव होना है क्यों क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है अब यहाँ पे डेसिमल था तो मुझे 1 लिख देना है बाद में डेसिमल करना है ओके ये डेसिमल है वो 1 प्लस है वो राइट हैंड साइड मूव होगा यहाँ पे डेसिमल है 6.3 में तो 1 प्लस है वो राइट साइड मूव होगा मीन्स 63 अब हम डिवाइड कर सकते हैं फोर जा ट्राई करते हैं इससे तो बिगर है तो क्या लेना होगा 63 3 जा 9 3 6 जा 18 तो 63 3 जा 189 सेपरेक्शन ईयर 13 ईयर 1 माइनस 3 3 माइनस 8 नॉट पॉसिबल ईयर 13 ईयर 1 माइनस 13 माइनस 9 4 13 माइनस 8 5 1 माइनस 1 0 नाउ ब्रिंग डाउन 1 63 6 जा देखते 63 8 जा 504 ओके 1 माइनस 4 नॉट पॉसिबल 11 ईयर 3 11 माइनस 4 7 3 माइनस 0 3 अब डेसिमल है तो मुझे डेसिमल रखना होगा कोशंट में ब्रिंग डाउन 8 तो 63 6 जा 378 0 0 0 आंसर इज 38.6 नेक्स्ट 3,262.5 डिवाइडेड बाय 1.45 डिवाइडेड बाय 1.45 इसमें भी डिवीजर में डेसिमल है तो मुझे डिवीजर में से डेसिमल को रिमूव करना होगा ओके ये डिवीजर है हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है वो ओके तो मुझे आप देख सकते हो कि जो डिवीजर है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 100 1.45 मल्टीप्लाई बाय 100 ओके मैंने क्या किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया क्यों किया क्योंकि मुझे यहाँ पे डिवीजर में डेसिमल है वो नहीं चाहिए इसीलिए
तो अभी यहाँ पे डेसिमल है तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई में क्या है 100 है, मीन्स टू प्लेस से वो राइट साइड मूव होना है, 1 and 0 टू प्लेस हो गई। एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे डेसिमल है, टू प्लेस राइट साइड मूव होना है मीन्स 145। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, वन हंड्रेड फोर्टी फाइव टू जा 290, 6 minus 0 6, 2 minus 9 नॉट पॉसिबल, 12, यर 1 minus मीन्स 2, 12 minus 9 3, 2 minus 2 0, ब्रिंग डाउन 2, ओके 145 यहाँ पे भी 145 टू जा 290, ओके 2 minus 0 2, 6 minus 9 नॉट पॉसिबल, 16, यर 1 minus मीन्स 2, 16 minus 9 7, 2 minus 2 0, नाउ ब्रिंग डाउन 5, ओके 145 इट्स आ 145 5 है, ओके 725 000, आंसर इज 225। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 663.3, इफ वन ऑफ देम इज 40.2, फाइंड द अदर डेसिमल नंबर। कोई भी टू डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसमें से कोई भी एक नंबर दिया हुआ है तो मुझे अदर नंबर फाइंड करना है। मैं आपको बोलूँ कि कोई भी टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 6, ओके कोई भी टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 6, उसमें से कोई एक नंबर है वो 3 है तो मुझे सेकेंड नंबर फाइंड करना है, ओके तो इस क्या क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, 2 3 2 6, तो आपको 2 कैसे मिला, जो आप 6 divided by 3 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके तो 6 divided by 3 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2। मीन्स इसमें भी क्या करना है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसमें से ये जो 1 नंबर दिया हुआ है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, मीन्स इसमें करेंगे हम डिविज़न। प्रोडक्ट of two numbers equal to 663.3, okay, one of the number equal to 40.2, we want to find other number, so other number equal to 663.3 divided by 40.2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी क्या है, डिविज़र में डेसिमल के बाद, इसमें डिविज़र में डेसिमल है तो मुझे डेसिमल को रिमूव करना है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 digit है, मीन्स मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाई 10, 40.2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो अभी यहाँ पे डेसिमल है, मल्टीप्लाई बाई 10 है मीन्स 1 प्लेस है वो राइट साइड मूव होना है 6633। इन डिनोमिनेटर में भी क्या है, 10 है तो मुझे यहाँ पे भी 1 प्लेस है वो राइट साइड मूव होना है 402। अब मुझे करना है डिवीज़न, फोर हंड्रेड टू ब्रिंग डाउन 3। फोर हंड्रेड टू सिक्स चा
2412. 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 4 2. ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ मुझे क्या पुट करना होगा, डेसिमल, और यहाँ पे मैं ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ. 402 फाइव ज़ा 2010, आंसर इज 16.5. थस अदर नंबर इज 16.5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वेट ऑफ वन बैग ऑफ व्हीट इफ 15 बैग्स ऑफ व्हीट वेट 121.5 kg. ओके, वन बैग का वेट है वो हमें फाइंड करना है. 15 बैग का वेट दिया हुआ है 121.5 kg. ओके, टोटल वेट कितना है 121.5 kg. ओके, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 15. ओके, टोटल वेट दिया हुआ है 15 बैग का 121.5 kg. कितने बैग्स है, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू 15. वी वॉन्ट टू फाइंड वेट ऑफ वन बैग. हम क्या करना चाहते हैं, वन बैग का वेट है वो फाइंड करना चाहते हैं. वेट ऑफ वन बैग इक्वल टू 121.5 डिवाइडेड बाय 15. मुझे वन बैग का वेट फाइंड करना है, इसलिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. तो 121.5 डिवाइडेड बाय 15. 15 इट्स आ 120. 121 माइनस 121. अब डेसिमल, क्वेश्चन में डेसिमल पुट करना है, ब्रिंग डाउन 5. 15 वन सा 15. आंसर इज 8.1. थस वेट ऑफ वन बैग इज 8.1 kg. क्वेश्चन नंबर 8. रोहन बोट 30 मीटर ऑफ वायर, ही कट्स इट इंटू 7 इक्वल पीसीस, वॉट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस. ओके, रोहन ने कितना वायर परचेस किया था, 30 मीटर वायर. ही कट्स इट इंटू 7 इक्वल पीसीस, वो क्या करना चाहता है, उसको 7 इक्वल पीसीस में डिवाइड करना चाहता है. तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट पीस, जो हम कट कर रहे हैं उसमें से वन पीस की लेंथ क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है. ओके, टोटल लेंथ ऑफ वायर, ओके, टोटल लेंथ कितनी होगी, 30 मीटर. ही कट्स इट इंटू 7 इक्वल पीसेस, तो कितने पीसेस है, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 7. हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ईच पीस. सो लेंथ ऑफ ईच पीस, टोटल लेंथ दी हुई है और टोटल वायर को हमें 7 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है. तो मुझे वन पीस की लेंथ फाइंड करने है, तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. 30 डिवाइडेड बाय 7. 7 4 जा 28. 30 माइनस 28 2. यहाँ पे मैं 0 ऐड करूँ तो मुझे क्वेश्चन में डेसिमल पुट करना होगा. 7 4 जा 7 2 जा 14. 20 माइनस 14 6. अभी यहाँ पे मैं 0 डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ. ओके, 7 8 जा 56. 60 माइनस 56 4 0. 7 5 जा 35 यर 5. ओके, डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट तक हमें जाना है. ओके, थस लेंथ ऑफ
Each piece is 4.285 meter. Thus, length of each piece is 4.285 meter. एक पीस की लेंथ क्या होगी? 4.285 मीटर. थैंक यू फ्रेंड्स.